काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए शब्द युग्म की क्लास, जिसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आज अपन जो शब्द युग्म में है उसके टोटल 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास होगी उसकी। आज ओनली अपन किसकी बात करेंगे, ओनली शब्द युग्म की बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर है या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो उन पर। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। वहाँ पर सभी प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मिल जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करना है, शेयर करना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसके अपन चर्चा करते हैं। शब्द युग्म का पहला क्वेश्चन है, निडर और दोनों दो अर्थ प्रकट करने वाले दो शब्द युग्म बताने हैं अपने को। अपने पास क्या होते हैं दोस्तों, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के अपने को अर्थ बताने होते हैं, या जो दो अर्थ दिए हुए होते हैं उनके शब्द अपने को बताने होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है कि निडर, दूसरा क्या है, दोनों। अब ये जो एक तो निडर अर्थ है, एक दोनों अर्थ है, निडर और दोनों ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म अपने को बताना है, तो कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद में मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अबे और उबे। अबे का मीनिंग क्या होता है, निडर, न डरने वाला। दोनों का मतलब क्या होता है, उभय। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। तो निडर और दोनों अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अभय और उभय हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तो बाण शब्द है, एक क्या है, तालाब। बाण और जो तालाब है ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म अपने को बताना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि बाण और तालाब अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, सर का। तो मतलब क्या होता है, बाण होता है, और इस सर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तालाब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आभूषण और पर्दा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म बताइए। एक तो क्या है, आभूषण है, एक क्या है, पर्दा। ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चार, आभरण का मतलब क्या होता है, आभूषण होता है, और जो पर्दा होता है इसका मतलब क्या होता है, आवरण। आवरण मतलब पर्दा। तो ये शब्द युग्म में ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो सूत है, एक क्या है, सूत है। इसका अपने को बताना है कि ये शब्द युग्म है, इसका अपने को अर्थ बताना है, क्या अर्थ होगा, अपने को राइट अर्थ बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुत का मतलब तो क्या होता है, सुत का मतलब होता है पुत्र, और जो सुत होता है इसका मतलब क्या होता है, सारथी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि पानी और पाणी जो शब्द है शब्द युग में, इनका अपने को अर्थ बताना है। पानी और पाणी जो शब्द युग में है इसका अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड में है कि जल तो किसका हो जाएगा, पानी का अर्थ हो जाएगा, और जो पाणी है, पाणी का क्या हो जाएगा, पाणी का मीनिंग होता है हाथ। तो आई होप समझ में आया होगा कि पांचवे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जल और हाथ हो जाएगा। पानी का मतलब जल और पानी का मतलब क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना,
सेना तथा कड़वा जो अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सेना है एक तो, एक क्या है कड़वा, ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कंटक का मतलब तो क्या होता है सेना होता है, और कटुक का मतलब क्या होता है कड़वा होता है। क्या होता है दोस्तों, कड़वा होता है, कटुक का मतलब क्या होता है कड़वा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एवं शिव अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। एक तो चंद्रमा है, एक क्या है शिव है, ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, शशिधर और शशिधर। शशिधर का मतलब चंद्रमा और शशिधर का मतलब शिव हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोग और महल अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा। एक तो क्या है भोग है, एक क्या है महल है, यह अर्थ प्रकट करने वाला अपने को क्या बताना है दोस्तों, शब्द युग में बताना है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में है कि भोग का मतलब तो क्या होता है प्रसाद का अर्थ क्या होता है भोग होता है, और प्रासाद का मतलब क्या होता है महल होता है। आइए आपको समझ में आएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्तों अपना, कि भोजन और निकट अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। एक तो क्या है भोजन है, एक क्या है निकट, ये अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशन और आशन। अशन का मतलब क्या होता है भोजन होता है, और निकट का मतलब क्या होता है आशन होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से असंगत है। अपने को बताना है एक शब्द युग में बताना है जो अर्थ की दृष्टि से क्या है असंगत है, उसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों असंगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेम गेई, और क्या हो जाएगा गेई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, तर और तरु शब्द युग्म का अर्थ बताने वाला विकल्प है। एक शब्द क्या है, एक शब्द है तर और एक क्या है तरु है, ये अर्थ बताने वाला अपने को एक ऑप्शन चूज करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर का मतलब तो क्या होता है भीगा हुआ, और तरु का मतलब क्या होता है पेड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, कि भंडार और काशी क्या है। भंडार और काशी अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। भंडार और काशी जो अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, ये अपने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, कोष और काश। क्या हो जाएगा, कोष का मतलब भंडार, और जो काश होता है इसका मतलब क्या हो जाता है खांसी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है खांसी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और मात्रा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। एक तो क्या है शब्द, एक क्या है मात्रा। शब्द का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, शब्द मतलब प्रमाण, क्या है प्रमाण, और जो मात्रा है मात्रा के क्या होता है परिमाण, क्या होता है परिमाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तो कुल होता है, एक क्या होता है कुल होता है, तो इसका शब्द युग्म का अपने को अर्थ बताना है, इसका शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। तो आप सभी ने देखा होगा कुल का मतलब तो क्या होता है फैमिली मतलब वंश होता है, कुल का मतलब क्या होता है किनारा, क्या होता है किनारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसका राइट आंसर अपने को बताना है कि एक तो अंश है, एक क्या है अंशु। इस शब्द युग्म का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है कि अंश और अंशु शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। अंश और अंशु शब्द युग्म का अर्थ कौन सा ऑप्शन है। तो अंश का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, अंश का मतलब तो हो जाएगा भाग हो जाएगा, और जो अंशु है अंशु का मतलब क्या हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है,
क्वेश्चन क्या है, अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। तो एक तो अभिराम है, एक अविराम है, शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका अभिराम का मतलब तो क्या होता है, सुंदर होता है। अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार। अभिराम मतलब सुंदर और अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसके बाद में है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, इसका मतलब क्या है, पंत और पथ जो शब्द युग्म है इसका अपने को अर्थ बताना है। पंत और पथ शब्द युग्म है, इसका अर्थ बताना है। तो पंत का मतलब तो क्या होता है, संप्रदाय होता है, और जो पथ होता है, पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नियत और नियति शब्द युग्म का अर्थ है। नियत और नियति शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा, नियत का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है, नियत का मतलब निश्चित, और नियति का क्या होता है, भाग्य। नियति का क्या होता है, भाग्य, मतलब निश्चित और भाग्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द युग्म का अर्थ है। एक तो क्या है, अभिज्ञ है, एक क्या है, अनभिज्ञ है। शब्द युग्म का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार होता है, और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, ना जानकार, क्या होता है, उसको जानकारी नहीं होती है अनभिज्ञ को, और अभिज्ञ को क्या होती है, जानकारी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गाड़ी का मतलब तो क्या हो जाता है, गाड़ी का मतलब हो जाएगा यान हो जाएगा। गाड़ी का क्या हो जाएगा, गहरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि अली और अली जो शब्द है, इस शब्द युग्म का सही अर्थ अपने को बताना है। एक तो क्या है, अली है, एक क्या है, अली। इस शब्द युग्म का अपने को क्या बताना है, सही अर्थ बताना है। तो अली का मतलब तो क्या होता है, भोरा होता है, और अली का मतलब क्या होता है, सकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अबे और उबे जो शब्द युग्म है इसका अर्थ क्या है। अबे का मतलब तो क्या होता है, निर्भय होता है, और उबे का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द युग्म सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों, कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। कौन सा शब्द युग्म सही है, देखिए दोस्तों, न्याय और अन्याय, तो ये तो क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय, तो ये तो विलोम शब्द हो गया। धरा और पृथ्वी क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मान और अपमान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा। अचल और अचला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द युग्म, क्या हो जाएगा, शब्द युग्म। अचल का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। अचला का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपको समझ गए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना दोस्तों कि दिन, एक तो होता है दिन और एक होता है दीन। तो इस शब्द युग्म का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिन का मतलब दिवस होता है, और दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीर और चीर शब्द युग्म का अर्थ बताना है। चीर और चीर शब्द का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चीर का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। चीर का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना आदि और व्याधि शब्द युग्म है। इसमें अपने वो आदि का क्या बताना है, अर्थ बताना है। आदि का अपने को अर्थ बताना है। तो आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, क्या होता है, मानसिक कष्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कांति और कलाति जो शब्द युग्म है इसका अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। कांति और कलाति जो शब्द युग्म है इसका अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। इस शब्द युग्म का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांति का मतलब क्या होता है, चमक होता है, और कलाति का क्या होता है, थकावट। कलाति का क्या होता है दोस्तों, थकावट होता है, और कांति का मतलब क्या होता है, चमक होता है। आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का विकल्प क्या है, अशुद्ध है। शब्द युग्म दिया हुआ है, शब्द युग्म तो सही है, पर उनका अर्थ कौन से का असंगत है, अशुद्ध है, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। कृपाण का मतलब क्या होता है? कटार होता है। पर यहाँ पर उल्टा दे रखा है, कृपण का कटार दे रखा है, कृपाण का कंजूस। तो यहाँ पर उल्टा होगा, कंजूस का क्या होगा? कृपण होगा, और कटार का क्या होगा? कृपाण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म शुद्ध है? अपने को बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म शुद्ध है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अग और अगे। क्या हो जाएगा? अग और अगे हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो शब्द युग में शुद्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अग्नि का मतलब क्या होता है? सर्प और पर्वत होता है, और अग्नि का क्या होता है? पाप होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सत्व शब्द का अर्थ सार है तो सवत्व का क्या होगा? सत्व शब्द का क्या है? सार अर्थ है, तो सवत्व शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकार हो जाएगा। आई होप आज की क्लास के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास में नहीं हो तो क्लास को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।